आज भले ही बॉलीवुड की डिंपल गर्ल अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हो, लेकिन एक वक्त था जब बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा हुआ करती थी। प्रीति उस वक्त ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार थी जिन्होंने हंसती खिलखिलाती चुलबुली अदाओं से लगभग दो दशक तक सबको अपना दीवाना बनाया। उनकी बेहतरीन अदायगी से दर्शकों के दिलों में आज भी प्रीति की उन्हीं अदाओं को बोलबाला है। जिस तरह से वो अपनी फिल्मों में अक्सर एक चुलबुली अभिनेत्री का किरदार निभाती थी, उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि उनका कई तरह के विवादों से नाता रहा। आइए जानते हैं प्रीति जिंटा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। डैश कम आयु में पिता की मौत। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में दुर्गानंद जिंटा और नीलप्रभा जिंटा के घर हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, लेकिन जब प्रीति 13 साल की थी तब उनके पिता की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल मां 2 सालों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। इसकी वजह से जिंटा जल्दी जल्दी से परिपक्व बनी। लव अफेयर और विवाद फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के साथ साथ अपने अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में बनी रही। प्रीति का शादीशुदा लोगों के साथ अफेयर रहा, जिसके चलते उन पर कई घर तोड़ने का भी आरोप लगाया गया। प्रीति जिंटा का मशहूर निर्देशक शेखर कपूर के साथ लंबे समय तक अफेयर के चर्चे थे, जिस कारण उनकी एक्स वाइफ सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने तो अपने और शेखर कपूर के ब्रेकअप होने का आरोप प्रीति जिंटा पर ही लगाया था। दिग्गज क्रिकेटर खिलाड़ी युवराज सिंह के साथ भी प्रीति के अफेयर की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद जीतेंद्र के बेटे तुषार कपूर के साथ प्रीति विवादों में फंस गई थी। इसके अलावा प्रीति हॉलीवुड एक्टर लार्स जेलसन के साथ भी प्रीति के अफेयर के चर्चे रहे। प्रीति और लार्स की एक बेहद निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। उसके बाद प्रीति ने अपने फैंस को तब सकते में डाल दिया जब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड नेस्वाडिया पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। नेस्वाडिया भी प्रीति के इस व्यवहार से काफी नाराज हुए थे। फिल्मी सफर। प्रीति ने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल व पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। प्रीति की 1996 में दोस्त की बर्थडे पार्टी में उनकी मुलाकात एक निर्देशक से हुई, जिसकी वजह से उन्हें अपना पहला काम मिला। एक ट्रेस का पहली बार कैमरा से सामना पर चॉकलेट के एड में हुआ था। उसके बाद मणिरत्नम की फिल्म दिल से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उसके बाद सोल्जर, क्या कहना, संघर्ष, दिल चाहता है, सीबीआई, मिशन कश्मीर, चोरी चोरी, चुपके चुपके, दिल है तुम्हारा, द हीरो, वीर जारा, कभी अलविदा न कहना, कल हो न हो कोई मिल गया, हर दिल जो प्यार करेगा, सलाम, नमस्ते, अरमान, ऐसी कई फिल्मों में अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। टीवी करियर। जिंटा ने अपने करियर की शुरुआत क्लर्क्स के रियलिटी शो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अब इंडिया तोड़ेगा से की थी। वह इस शो में बतौर जज की भूमिका में नजर आई थी। वह साल 2015 में डांस बेस्ड रियलिटी शो नच बलिए में बतौर जज नजर आई थी। इस शो में उनके अलावा चेतन भगत और मर्जी नजर आए थे। बहादुरी का अवार्ड। प्रीति बॉलीवुड की पहली बहादुर एक्ट्रेस हैं जिसने की अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सेशन कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें एक फोन आया था जिसमें उस आदमी ने कहा, मैं भाई का आदमी रजाक बोल रहा हूं और मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने बताया कि फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की शूटिंग के लिए उन्हें जबरन वसूली के फोन आ रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें गुडप्रे माइंड ऑफ स्टील अवार्ड से सम्मानित किया गया था।